गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज़ आर इंग्लिश क्लास ऑफ क्लास 3. टुडे वी विल डू चैप्टर 2 ऑफ आर ग्रामर बुक. सो ओपन योर ग्रामर बुक्स, चैप्टर 2. ए पार्ट वी हैव डन ऑलरेडी. टुडे वी विल डू पार्ट बी. हमने चैप्टर 2 में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था. ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, बी हम आज करेंगे. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो मेन होता है काम करने वाला सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है. और जो बाकी का पार्ट होता है सेंटेंस का, वो प्रेडिकेट होता है. हमने किया था, जैसे देखो, सेवन्थ सेंटेंस में हमने ऐसे किया था, द स्टूडेंट्स वॉच्ड द मैजिक शो. स्टूडेंट्स ने मैजिक शो देखा. तो इसमें मेन काम किसने किया? स्टूडेंट्स ने, मैजिक शो देखने का. तो स्टूडेंट सब्जेक्ट था और वॉच्ड द मैजिक शो, ये प्रेडिकेट है पूरा. तो हमने ये ए पार्ट कंप्लीट किया, आज हम बी पार्ट स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिफाई द हाइलाइटेड पार्ट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. तो हमने जो हाईलाइट पार्ट है उसको, ये देखो, थोड़ा सा इसको अलग कलर से लिखा गया. जो भी पार्ट को, उसको हमने बताना है कि वो क्या है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, या कुछ भी नहीं है. द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. तो यहाँ पे हाईलाइट पार्ट है वो द सन है. सन, द सन क्या है? सब्जेक्ट है. तो आपने ए ऑप्शन पे टिक करना है. नंबर 2 पे है द पपी चेज्ड इट्स टेल. तो इट्स को हाईलाइट किया गया है. सब्जेक्ट यहाँ पे द पपी है और प्रेडिकेट चेज्ड इट्स टेल है. तो जो इट्स है वो अकेला कुछ भी नहीं है, ना ही तो सब्जेक्ट है, ना ही प्रेडिकेट है. तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, नाइदर. नाइदर का मीनिंग होता है, दो ऑप्शन दिए जाते हैं हमें, उनमें से कोई भी नहीं होता. तो नाइदर का मीनिंग ये है कि ना ही तो सब्जेक्ट है, ना ही प्रेडिकेट है, इट मीन्स ये कुछ भी नहीं है. नंबर 3 पे द चिल्ड्रन प्लेड इन द पडल्स. तो यहाँ पे चिल्ड्रन को हाईलाइट किया गया है. चिल्ड्रन है वो सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है. आप ए ऑप्शन को टिक करोगे. नंबर 4 पे क्या है? माई ब्रदर रोट अ लेटर. यहाँ पे सब्जेक्ट माई ब्रदर है, रोट अ लेटर इज प्रेडिकेट हियर. तो लेटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है. देन अगेन सी ऑप्शन विल बी आंसर, नाइदर. नंबर 5, द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर. द पोस्टमैन को हाईलाइट किया गया है. द पोस्टमैन क्या है? सब्जेक्ट है. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नंबर 6 पे है मोहिनी ओपन्ड द विंडो. मोहिनी सब्जेक्ट है, ओपन्ड द विंडो यहाँ पे प्रेडिकेट है. तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नंबर 7, द बी फ्लू ओवर द फ्लावर्स. तो बी सब्जेक्ट है यहाँ पे, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. नंबर 8, द बर्ड फ्ल्यू अवे. द बर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड फ्ल्यू अवे यहाँ पे प्रेडिकेट है. द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नंबर 9, शी इंजॉयज गोइंग टू द सिनेमा. तो यहाँ पे इंजॉयज है वो अकेला वर्ड कुछ भी नहीं है. शी इज सब्जेक्ट हेयर एंड enjoys गोइंग टू सिनेमा, गोइंग टू द सिनेमा इज प्रेडिकेट. तो यहाँ पे नाइदर आएगा, नंबर सी ऑप्शन आएगा. नंबर 10, द ग्रीन फ्रॉग जम्प्ड इन टू द लेक. द ग्रीन फ्रॉग, यहाँ पे द ग्रीन फ्रॉग को हाईलाइट किया गया, यही सब्जेक्ट है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. सो आंसर इज सब्जेक्ट ए. Hope you all understood. Complete this exercise in your books, grammar books, page number 6 पे आपने complete करनी है. And this you will do in your notebooks. तो आपने chapter 1 का काम notebooks में नहीं किया, वो हम आज start करेंगे. grammar का जो हमारा chapter है उसका name है the sentence. You will write chapter 1 the sentence. First हम sentence की definition लिखेंगे. sentence क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ अ कम्प्लीट मीनिंग. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसका कम्प्लीट मीनिंग होता है. इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद
विद अ फुल स्टॉप. तो और ये कैपिटल लेटर से के साथ स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप के साथ एंड होता है. जैसे एग्जांपल में देखो, नवीन इज माय ब्रदर. तो ये एन नवीन नेम है ये तो पहले ही, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ एन से और लास्ट में इसके फुल स्टॉप है. तो इसका मीनिंग भी है, नवीन इज माय ब्रदर, नवीन मेरा ब्रदर है, भाई है. तो इसका ये मीनिंग भी दे रहा है और इसके ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहा है. इट मीन्स इट इज़ अ सेंटेंस. नेक्स्ट इज सेकेंड एग्जाम्पल, द बर्ड इज फ्लाइंग. पक्षी उड़ रहा है, तो इसका भी मीनिंग है, सही है, मीनिंग दे रहा है ये, स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. इट इज़ ऑल्सो अ सेंटेंस. देन नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस. तो आगे आपने अपनी बुक में पढ़ा है ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस. आगे हम उनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखेंगे जो अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं. नंबर वन पे स्टेटमेंट, एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो भी बात किसी ने कही गई हो, बोली गई हो, वो सेंटेंस होते हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं. आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो अच्छे लगते हैं, जब मुझे मैंगो पसंद है. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टेटमेंट, राम प्लेस इन द पार्क, राम पार्क में खेलता है. तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, इसका मीनिंग है, दिस इज स्टेटमेंट. नंबर टू पे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चंस में सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, आप कल एब्सेंट क्यों थे. तो ऐसे जो जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. सेकेंड देखो, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट जा रहे हो, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है. ये भी एक टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो. नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट में क्या होता है, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखो, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो इसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमें किसी की हेल्प चाहिए, किसी से कोई चीज़ चाहिए, तो हम प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट होती है. नंबर फोर पे फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, कमांड्स होती हैं, हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं. जैसे स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद करो. डोंट टॉक इन माई क्लास, डोंट टॉक इन माई क्लास, तो ये भी एक कमांड है, कोई ऑर्डर दे रहा है. आपका सीनियर, आपका कोई टीचर आपको बोल रहा है कि मेरी क्लास में बात नहीं करनी. सो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेंटेंस. नंबर फाइव पे आता है एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जाती है. जैसे देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, What a beautiful picture it is, what a beautiful day it is, what a beautiful dress it is, कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ ऐसी हो जिसके जो emotions के साथ show करके जिसके बारे में बोला जाता है कि ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है ये. तो वो अपनी strong emotions जब कोई sentence में show की जाती है तो वो exclamatory sentence होती हैं, उसके last में exclamation sign लगता है, ऐसे जो sign होता है स्टैंडिंग लाइन नीचे ये वाला, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है. इससे हमें पता चलता है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किसी इसी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो की गई है. जैसे सेकेंड सेंटेंस देखो, हाउ फास्ट इज शी रनिंग, हाउ फास्ट इज शी रनिंग, ऐसे भी बोल सकते थे ना. ये देखो इसका मीनिंग है कि वो कितना, देखो कितना फास्ट दौड़ रही है, ऐसे भी लिख हम इसको लिख सकते थे, शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट. तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है, ये स्टेटमेंट हो जाती. अब इसमें फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की गई है कि देखो कितना तेज़ भाग रही है वो, तो इसमें एक्सक्लेमेशन साइन आता है. लास्ट में कुछ हैरानी वाला शो किया जाता है जिस सेंटेंस में, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. तो आपने अपनी नोटबुक्स में ऐसे ही लिखना है, पहले सेंटेंस की डेफिनेशन लिखोगे, देन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. वी विल नॉट राइट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जस्ट राइट एग्जांपल्स. आपने बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स ही लिखनी है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की.
पांच प्रकार के सेंटेंसेस किए हैं हमने, उनके एग्जाम्पल्स लिखोगे, टू टू एग्जाम्पल्स। राइट इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग इन योर नोटबुक्स एंड कंप्लीट योर नोटबुक्स ऑन टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।